वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अनुष्का और मैं आपको घुमा रही हूं एक नई लोकेशन पे। सो हम अब नई लोकेशन हमारी ये है कि अब हम जा रहे हैं कैची धाम से मुक्तेश्वर। सो इस व्लॉग को पूरा देखना क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो फिर चलते हैं। मुक्तेश्वर यहाँ से है 33 किलोमीटर और अभी भी थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी गर्मी सी महसूस हो रही है। आई होप रात में टेम्परेचर अच्छा हो तो बेस्ट है। वैसे था क्योंकि कल बारिश का मौसम था तो मे बी हो सकता है। चोर चोरी करने जा रहा है छोटू सा बिल्लू। पहुंच गए हैं मुक्तेश्वर, फाइनली हम पहुंच गए हैं। और मैं अभी भी ऐसी हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा डाउन डाउन, मतलब वो होता है ना नींद पूरी नहीं होती तो हो जाता है ऐसे। सो अभी 1 किलोमीटर मंदिर रह गया है तो अब हम मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद जौली की झाली पे भी जाएंगे। हाँ यही है, चौली की झाली, हाँ ये भी जाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे एंड देन उसके बाद नाइट में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे मुक्तेश्वर। साइड में आप देख सकते हो, जूम करती हूँ मैं, यहाँ पे पहाड़ी शादी हो रही है। ऑब्वियसली पहाड़ में ही होगी, और मतलब मैंने पहली बार ऐसे देखी है ना, और गाने चल रहे हैं बढ़िया बढ़िया से यहाँ पे। सो ये है एंट्रेंस मुक्तेश्वर मंदिर की, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। चल दिए हैं हम महादेव से मिलने, और उनसे मिलने का हमारी बहुत ज़्यादा इच्छा थी तो अब हम जा रहे हैं बस उनसे मिलने। एक चीज़ दिखाती हूँ, रुको, ये यहाँ के पहाड़ी नींबू है, ये पहाड़ी नींबू है यहाँ का। भाई यहाँ का ट्रैक, बस भगवान जी इतने ऊपर क्यों बैठते हैं, मुझे अभी तक लॉजिक समझ नहीं आया, क्योंकि ऊपर जाते जाते मेरी बैंड बच जाती है। ओ भैया मैं बुढ़ापे, मैं बुढ़ी हो गई हूँ अब। भाई साहब वेट कर रहे हैं, और मंदिर वो दिख रहा। सो फाइनली हम यहाँ पे मंदिर में पहुँच चुके हैं, और बहुत ही ज़्यादा शांति है यहाँ तो। ये मंदिर है, ये पूरा मंदिर है, और बहुत ही ज़्यादा शांति है यहाँ पे, कोई चीज़ नहीं। दर्शन अच्छे से हो गए हैं बाबा जी, और ये पूरा नीचे का व्यू आप देख सकते हो। हवा चल रही है बहुत तगड़ी, बहुत अच्छी, यहाँ पे चुन्नी बांधी है सब लोगों ने। यहाँ से जूते चप्पलों का स्टैंड है, एंड उसके बाद यहाँ से चौली की जाली का रास्ता इधर से ही है। सो कुछ ऐसा उगड़ा खबड़ा सा है, बहुत ध्यान से चलना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि इधर नीचे डायरेक्ट लुढ़क जाओगे आप, तो इसलिए बहुत ध्यान से जाना पड़ता है। सो हमें रास्ता मिल चुका है, और ये कुछ कोई नया रूट हमने पकड़ा है चौली की जाली के लिए। सो इसमें 200 मीटर अंदर जाना पड़ेगा एंड देन उसके बाद चौली की जाली आ जाएगी। और भाई साहब इस टाइम बहुत फुर्ती में हैं कि भग लो, रात होने वाली है, अभी तो 1 घंटा है। हाँ तो कौन सा, हम ज़्यादा दूर पहुँचेंगे। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं चौली की जाली, बहुत मेहनत करके हम पहुंचे हैं यहाँ पे, और ये नज़ारा शायद ही कोई मिस कर दे, इतना बेस्ट नज़ारा है कि बता नहीं सकते कितना खूबसूरत नज़ारा है। देख सकते हो बिल्कुल सन मेरे आंखों पे पड़ रहा है, पहाड़ ही पहाड़, जिस तरफ देखो पहाड़ ही पहाड़, इतना सुंदर लग रहा है। शायद ही कुछ दिख रहा होगा इसमें, पर जितना दिख रहा है एडजस्ट करो। इतना अच्छा नज़ारा लग रहा है कि अब मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुशी हो रही है। पहाड़ पे आके सबसे ज़्यादा मुझे खुशी यहीं पे ही होती है, और कहीं नहीं होती है। जिधर पहाड़ दिख गए बस वो बेस्ट है मेरे लिए। सो आप मेरे पीछे देख ही सकते हो कितना प्यारा, मेरा मन कर रहा है बस पूरी रात यहाँ बैठो, और देखो जब ये लाइट चलती है ना कितना प्यारा लगता है रात को, बहुत प्यारा।
ये नज़ारा रात में कितना सुंदर लगता होगा, मैं इमेजिन करके, बस मैं इमेजिन ही कर रही हूँ बैठे बैठे यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा होगा ये सब। सो ये एक और पॉइंट है जहाँ से पूरा इस वाली मशीन से पूरा वहाँ पे हिमालयन का नज़ारा दिखता है। अभी दिख नहीं सकता है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा क्लाउडी है वेदर। सो ये है और यहाँ पे एक कैफ़े भी है। सो ये वाला प्लेस आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत अच्छा है। यहाँ से भी नज़ारे बहुत खूबसूरत खूबसूरत हैं, आप देख सकते हो। यहाँ का टिकट 60 रुपये का है। सो ये नज़ारा है पूरा और उससे हम वहाँ हिमालयन देखते हैं, पर वो दिख ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है। आइस से भी नहीं दिख रहा है, अगर आप कैमरा तो छोड़ो उससे भी नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर है इस वजह से। सनसेट के टाइम यहाँ पे आके आप स्नैक्स वगैरह कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। सो बहुत अच्छा प्लेस है यहाँ पे, ये कवर कर सकते हो आप, बहुत सुंदर है। और आप उधर देख सकते हैं वो लंगूर दो, आई थिंक ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे ज़्यादा दिखते हैं ये। तो हम अभी यहाँ पर कुछ खाने रुके हैं, और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी हमें घर के लिए निकलना पड़ रहा है, कुछ एमरजेंसी आ गई है।